ये देखिए गाइस, आज फिर लेकर आ गए हैं सर्दियों की पहली रेसिपी। जो सर्दियों में इस समय हरी भरी कड़री, हमारे यहाँ इसको कड़री बोलते हैं, आप लोग के क्या बोलते हैं, कैसे बनाई जाती है ये जरूर बताइएगा। ये हरी भरी ले ली है सरसों, आप इसको सरसों का साग भी बोल सकते हैं, सरसों की कड़री भी बोल सकते हैं। इस तरह के साफ साफ पत्ते देखिए ले लेने हैं वॉश करके, और इन्हें हम काट लेंगे। तो देखिए काट के पहले से ही रख रखा था, जैसे कि थोड़ा सा टाइम आपका खराब ना हो। इस तरह से बंच बना करके इस तरह से कट करना है आपको, ये देखिए इस तरह से। तो बारीक बारीक कट कर लेंगे, जैसे भी आप काट पाए वैसे कट कर लीजिएगा इस तरह से। और इस तरह से सच में बनाइएगा ना सिंपल सा, तो ये बहुत टेस्टी बनती है सब्जी, और बिल्कुल सिंपल है। इसमें कोई ज्यादा मसाले नहीं है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं, ना ही बॉयल करना है इसको, बहुत आसानी से बनकर तैयार होती है। तो देखिए इस तरह से सरसों का ऑयल डाल देंगे। देखिए गाइस एक बात और बोल दें कि इसमें सरसों का ऑयल ही डालना अच्छा लगता है, सब्जी सरसों के ऑयल में ही अच्छी लगती है ज्यादा, नहीं तो आप फिर किसी भी ऑयल में बना सकते हो, मगर सब सब्जियों की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा ऑयल की मात्रा ज्यादा लगती है, क्योंकि इसको फ्राई करना पड़ता है। तो देखिए हमने सरसों का ऑयल डाल दिया, इसमें हमने दो हरी मिर्च तोड़ सॉरी लाल मिर्च तोड़ कर डाल दी है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें हम सीधी सीधी अपने पत्ते वाली सब्जी डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए जैसे जैसे मतलब ठंडक की शुरुआत होती है ना, वैसे वैसे इस तरह की हरी सब्जियां बहुत ज्यादा आने लगती हैं, और इन सब्जियों में फास्फोरस मतलब सारी चीजें होती हैं, सबसे ज्यादा आयरन होता है, आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो आयरन की तो कमी नहीं होगी इस तरह की सब्जी में। और इस तरह से बनाकर भी तैयार करेंगे, बनाने में भी इजी है और सबको पसंद भी आएगी। तो देखिए एक मिनट की इसको हम तीन से चार मिनट के ढक देंगे धीमी फ्लेम पर इस तरह से। तो देखिए इसमें से पानी जितना भी था वो निकलने लगा है, आप देख सकते हो पानी अच्छे से। ये देखिए इस तरह से उलट पलट देंगे आप पूरा, आप समझ लीजिए इसमें कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही काम करना है। इस तरह से ढक देंगे, देखिए अभी नमक नहीं ऐड किया है। पत्ते वाली सब्जी में शुरू में नमक नहीं ऐड करते हैं, अगर आप शुरू में नमक ऐड कर दोगे ना तो बहुत ज्यादा नमक हो जाएगा, क्योंकि पत्ते वाली सब्जी देखिए अभी देखिए पूरी कढ़ाई भरी हुई दिख रही थी, अब जैसे जैसे पकता जा रहा है वैसे वैसे सब्जी हमारी कम होती जा रही है, देख सकते हैं। और पानी देखिए कितना सारा है इसमें निकला हुआ है, तो इसमें कोई चीज वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप ब्लांच करते हैं या फिर बॉयल करते हैं सरसों की कड़री को, तो उसका पानी फेंक देते हैं, तो उससे क्या है न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो जाती है, यानी न्यूट्रिशियस निकल जाते हैं। तो इस तरह से नमक ऐड करेंगे। अब देखिए सारी की सारी कड़री बैठ गई है, सारी का सारा सरसों बैठ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नमक ऐड कर दिए हैं। आप इसे देखिए पानी देख सकते हो आप, नमक डालते ही पानी कितनी मात्रा में निकला हुआ है, तो इसी पानी में ये सब्जी हमारी पक जाएगी अच्छे से, तो बॉयल भी नहीं करना पड़ेगा और अच्छे से कुक भी हो जाएगा, सारी न्यूट्रिशियस वैल्यू आपकी खराब नहीं होगी, क्योंकि वो सारी की सारी सब्जी में ही बनी रहेंगी। ये देख सकते हैं इस तरह से, बस कुछ नहीं करना है, चलाते हुए पकाना है और उस पानी को सुखाना है। तो आप देख सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर गाइस, अब इसे हम क्या करेंगे, इसी तरह से चलाते हुए देखिए चले, जैसे जैसे चलाते जा रहे हैं वैसे सब्जी हमारी पानी जो है सूखता जा रहा है, और सब्जी देखिए इस तरह से फोड़ कर देख लेंगे अच्छे से, तो सब्जी हमारी कुक हो जानी चाहिए, मतलब पक जानी चाहिए अच्छे से, और पानी भी सूख जाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से फिर से ढक देंगे। तो अब देखिए ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल देखिए पानी लगभग है थोड़ा बहुत, बाकी सब्जी हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए दोबारा हम मैश करके देख लेंगे इस तरह से, तो ये सब्जी अच्छे से बन गई है। और अब हम इस तरह से देखिए, इस तरह से थपथपाते हुए इसको, इसका जितना भी पानी मॉइस्चर है ये देख सकते हैं इस तरह से, ये सारा का सारा सुखा लेना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस पानी को सुखा लेना है और फ्राई करना है, और कुछ भी नहीं आपको करना पड़ेगा इस तरह से। तो आप देख सकते हो बस 2 मिनट में ये सब्जी बनकर तैयार होगी गाइस। 2 मिनट का कहने का मतलब है और कुछ काम नहीं करना पड़ेगा आपको, बीच बीच में आप दूसरा काम भी कर सकते हो, बस इस तरह से देखिए, ये देखिए सूखने लगी, सूख गई लगभग हमारी सब्जी, इस तरह से दबाने पर पानी नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब है देखिए थोड़ी मात्रा में पानी तो रहेगा, क्योंकि पत्ते वाली सब्जी है, बिल्कुल तो नहीं सूखेगा, लेकिन हाँ पानी कम हो गया, और आप सब्जी देख सकते हो कितनी टेस्टी कितनी यम्मी बनकर तैयार हो गई है। तो अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और हमें अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि ठंड की पहली सब्जी ये कैसी लगी है आप लोगों को हमारे रेसिपी की, तो कमेंट करना जरूर, कमेंट जरूर करा करिए, जिससे कि थोड़ा सा ये देखिए इस सब्जी को ना आप पूरी पराठा चपाती किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लगती है। तो चलिए देख लेते हैं ये रेसिपी।